दोस्तों 20 जुलाई 2023 को भारत ने एक ऐसा कदम उठाया जिसे देखकर पूरी दुनिया हैरान रह गई, क्योंकि अपने एक फैसले से हमने दुनिया भर के 10% चावल के निर्यात को रोक दिया। ऊपर से भारत ने इस बात पर भी कोई जानकारी नहीं दी कि क्या ये सैंक्शन और भी ज्यादा बढ़ेगा या फिर नहीं, क्योंकि भारत दुनिया का सबसे बड़ा चावल निर्यातक देश है और हम ग्लोबल सप्लाई चेन में 43% चावल की सप्लाई अकेले करते हैं। ऐसे में चावल पर लगाया गया भारत का कोई भी प्रतिबंध दुनिया पर काफी बड़ा इम्पैक्ट डालता है, जिसके तहत हम साफ तौर पर देख सकते हैं कि कैसे चारों तरफ इन्फ्लेशन बढ़ने लगा और कई देशों में चावल की बिक्री पर रोक लगा दी गई। मतलब इन देशों की दुकानों में ये बात साफ तौर पर लिख दी गई कि एक इंसान लिमिटेड अमाउंट से ज्यादा चावल नहीं खरीद सकता। मतलब चावल की बिक्री को भी रेगुलेट किया जाने लगा, जो ग्लोबल लेवल पर फूड सिक्योरिटी को लेकर काफी नए सवाल खड़े कर रहा था। ऐसे में IMF ने भारत से बातचीत करने की कोशिश की ताकि वह हालात को थोड़ा आसान बना सके, और इसी की कड़ी में सामने निकल कर आ रही लेटेस्ट रिपोर्ट से इस बात का पता चला है कि IMF ने भारत से रिक्वेस्ट की है ताकि हम अपनी तरफ से चावल के निर्यात पर लगाए गए प्रतिबंध को हटा दे, और अगर भारत ने ऐसा नहीं किया तो दुनिया भर के देश जवाबी कार्रवाई कर सकते हैं। दरअसल IMF जवाबी कार्रवाई का नाम लेकर भारत को धमकी नहीं दे रहा, बल्कि हमें ये समझाने की कोशिश कर रहा है कि आज अगर दुनिया का 40% से ज्यादा चावल की सप्लाई भारत के पास है और हम इसका फायदा उठाकर चावल के एक्सपोर्ट पर प्रतिबंध लगा रहे हैं, तो कल को ऐसे ही कई खाद्य पदार्थ और इंजीनियरिंग आइटम है जो दूसरे देश सबसे ज्यादा सप्लाई करते हैं, जिसे लेकर अगर उन्होंने जवाबी कार्रवाई के तहत उन पर प्रतिबंध लगा दिया तो इससे वैश्विक अर्थव्यवस्था को तो नुकसान होगा ही, साथ ही भारत भी इसके प्रभाव से अछूता नहीं रहेगा और इससे दुनिया भर में सभी देशों का विश्वास और भी ज्यादा कम हो जाएगा, क्योंकि तब इस बात की गारंटी नहीं होगी कि कौन सा देश कब किस चीज की सप्लाई पर प्रतिबंध लगा दे, जिससे हमारे ग्लोबलाइजेशन प्रोग्राम को काफी चोट पहुंचेगी और इसका नतीजा हम संयुक्त राष्ट्र समेत दूसरे ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर भी साफ तौर पर देख सकेंगे। इतना ही नहीं बल्कि भारत द्वारा चावल के निर्यात पर लगाए गए इस प्रतिबंध के बाद दुनिया भर में एक और बड़ा सवाल उठना शुरू हो चुका है कि क्या इस घटना के बाद ग्लोबल साउथ को भारत अपना लीडर मान सकता है या फिर नहीं, क्योंकि ग्लोबल साउथ के देश जिसमें मुख्य तौर पर एशियान, अफ्रीका और साउथ अमेरिका के देश आते हैं, इन्हें ही भारत के प्रतिबंध से सबसे ज्यादा नुकसान होगा, जो इन देशों में फूड सिक्योरिटी का बड़ा मसला खड़ा कर सकता है। तो इसके जवाब में हमें इस बात पर भी ध्यान देना चाहिए कि भारत द्वारा लगाए गए प्रतिबंध हमारे पूरे चावल निर्यात पर नहीं बल्कि सिर्फ एक चौथाई निर्यात पर ही लागू होते हैं। साथ ही समय समय पर भारत ने जरूरतमंद देशों के लिए न सिर्फ बड़ी मात्रा में खाद्य पदार्थों की सप्लाई डोनेशन के तौर पर की, बल्कि हमने जरूरतमंद देशों की मदद के लिए अपने प्रतिबंध को भी बाईपास किया, जिसका सबसे बड़ा एग्जांपल हम इजिप्ट और अफगानिस्तान जैसे देशों को मान सकते हैं, क्योंकि जब भारत ने अपने देश के डोमेस्टिक मार्केट में गेहूं की सप्लाई सुनिश्चित करने के लिए गेहूं के निर्यात पर प्रतिबंध लगाया था, तब इजिप्ट ने भारत से बात की थी ताकि हम उनके देश में आए संकट को ध्यान में रखते हुए गेहूं की सप्लाई करें, और तब भारत ने अपने प्रतिबंध को नजरअंदाज करते हुए इजिप्ट को गेहूं निर्यात किया। ऊपर से हम सभी जानते हैं कि अफगानिस्तान की तो भारत ने कितनी ज्यादा मदद की, जिसके तहत कभी हमने 10,000 तो कभी 20,000 टन गेहूं अफगानिस्तान को डोनेट किया। ऐसे में चाहे IMF हो या फिर दुनिया का कोई भी देश, अगर इस बात पर सवाल उठाता है कि क्या भारत ग्लोबल साउथ का लीडरशिप संभालने के लायक नहीं है, तो उन्हें सबसे पहले भारत द्वारा की गई मददों को भी ध्यान में रखना चाहिए, जो भारत सिर्फ आज से नहीं बल्कि कई दशकों से करता आ रहा है। और ऐसा भी नहीं है कि हमने चावल के निर्यात पर जो प्रतिबंध लगाया है वो जानबूझकर किया हो, बल्कि प्रतिबंध लगाने की सबसे बड़ी वजह तो हमारे डोमेस्टिक मार्केट में महंगाई को काबू करना और सप्लाई चेन को सुनिश्चित करना था, जिसके सामान्य होते ही भारत चावल का निर्यात एक बार फिर से शुरू कर देगा और इस पर सारे प्रतिबंध हटा देगा। हालांकि जहां तक बात है एक्सपोर्ट ड्यूटी की, तो शायद वह अभी भारत कम ना करे, क्योंकि चावल के निर्यात पर लगने वाले 20% एक्सपोर्ट ड्यूटी इसके अंधाधुंध एक्सपोर्ट को काबू करने में काफी मददगार साबित होता दिखाई पड़ रहा है। ऐसे में हमारे इंटरेस्ट के लिए थोड़ा एक्सपोर्ट रेगुलेशन तो जरूरी है। वहीं पर अगर एक न्यूट्रल स्टांस से देखें तो हम IMF के बयानों और सलाह को भी पूरी तरह से नजरअंदाज नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे प्रतिबंध से ग्लोबल सप्लाई चेन में दिक्कत तो खड़ी हो रही है। साथ ही इस बात का भी डर बढ़ चुका है कि दूसरे देश भी जरूरत पड़ने पर ऐसी ही कई जवाबी कार्रवाई करे, जो जरूरी नहीं है कि भारत के खिलाफ हो बल्कि दूसरे देशों के खिलाफ भी हो सकती है, लेकिन इससे आखिरकार बुरा प्रभाव हर देश को झेलना पड़ेगा। कुल मिलाकर समझने की कोशिश करें तो वैश्विक खाद्य सुरक्षा और ऊर्जा सुरक्षा में हमें आज जितनी परेशानियां देखने को मिल रही है, उसका मुख्य कारण कोई एक देश नहीं बल्कि लगभग हर महाद्वीप में छोटे बड़े कॉन्फ्लिक्ट को इकट्ठा माना जा सकता है। दोस्तों कुल मिलाकर समझने की कोशिश करें तो वैश्विक खाद्य सुरक्षा और ऊर्जा सुरक्षा में हमें आज जितनी भी परेशानियां देखने को मिल रही है, उसका मुख्य कारण कोई एक देश नहीं बल्कि लगभग हर महाद्वीप में
छोटे बड़े कॉन्फ्लिक्ट को इकट्ठा माना जा सकता है, जिन्हें हल करना आज सबके लिए काफी जरूरी बन चुका है। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। IMF के इस बयान पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा, और क्या भारत को इस प्रतिबंध को हटा लेना चाहिए या फिर नहीं, इस पर भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। साथ ही हमारी आने वाली डेली ऐसी वीडियो के लिए नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबाकर बेल नोटिफिकेशन ऑन कर ले, जिससे हमारी आने वाली डेली ऐसी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।